परिवहन विभाग से बड़ी खबर का रुख करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन शुल्क दे चुके आवेदकों को रिफंड होगा। परिवहन विभाग ऐसे सभी आवेदकों को रिफंड करेगा। 1 अप्रैल से किसी आवेदक को नहीं मिलेगा आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड। परिवहन विभाग ऑनलाइन भुगतान कर चुके आवेदकों का डाटा जुटा रहा है ताकि उनको पैसा वापस किया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन शुल्क दे चुके आवेदकों को रिफंड करना होगा और वो रिफंड परिवहन विभाग करेगा। दरअसल परिवहन विभाग ऐसे सभी आवेदकों को रिफंड करेगा। 1 अप्रैल से किसी आवेदक को नहीं मिलेगा आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड। परिवहन विभाग ऑनलाइन भुगतान कर चुके आवेदकों का डाटा जुटा रहा है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जरा खबर को समझाइए कि जो ये लाइन है कि भाई 1 अप्रैल से किसी आवेदक को आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए परिवहन विभाग में अभी तक व्यवस्था थी विजेंद्र की, जो भी आवेदक होते थे आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस के उनको स्मार्ट कार्ड मिलता था और इसके बदले में 200 रुपए उनको परिवहन विभाग को देने होते थे। लेकिन बीते दिनों जब बजट पेश किया वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि अब स्मार्ट कार्ड की जगह जो आवेदक है उनके मोबाइल पर PDF दिया जाएगा जिसमें फॉर्मेट होगा ERC और E-लाइसेंस का, और 200 रुपए जो आवेदकों को देने पड़ते हैं स्मार्ट कार्ड के वो नहीं देने पड़ेंगे और स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो वो जो व्यवस्था है वो अब 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर भी हम खबर दिखा चुके हैं कि किस तरीके से लोगों को इस व्यवस्था से परेशानी आ सकती है, लेकिन फिलहाल परिवहन विभाग 1 तारीख से इसको शुरू करने जा रहा है और 1 तारीख से किसी भी आवेदक को जो RC और ड्राइविंग लाइसेंस है उसका स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा शिवेंद्र, अगर किसी के पास स्मार्ट कार्ड होता था तो उसको क्या फायदा होता था? देखिए स्मार्ट कार्ड के फायदे विजेंद्र, एक्चुअली जो माइंडसेट है इंडिया में और जो एक परंपरा है कि मान लीजिए कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ होता है, इस तरीके का दस्तावेज होता है, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है स्मार्ट कार्ड की। तो उसको आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी यूज कर सकते थे, सहेज के रखते थे, संभाल के रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जो हमने खबर दिखाई थी कि इससे परेशानी क्या हो सकती है, तो परेशानी को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ERC और ई ड्राइविंग लाइसेंस लेकर दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो इतनी जल्दी कंसीडर नहीं करती। हालांकि इसके लिए भी परिवहन विभाग चिट्ठी लिख रहा है अलग अलग प्रदेशों को, लेकिन ये व्यवस्था क्या पूरी तरीके से सुचारू चल पाएगी, इससे जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होगी, इसको लेकर कोई भी गारंटी देने को तैयार अभी नहीं। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।